ये कैसी विडंबना है, आलू आज चीख चीख अपनी हालत के लिए रो रहा है। भारत में अपनी इस कदर बेकदरी के लिए आलू बहुत दुखी है। आलू फर्रुखाबाद की पहचान है। हिंदुस्तानी संस्कृति में इसे बड़े आदर भाव से सैकड़ों डिश फार्म में परोसा जाता है। साथ ही ये एक हेल्दी एंड कंप्लीट फूड की श्रेणी में भी आता है। स्वतंत्र भारत में फर्रुखाबाद में आलू ने किसानों को बदहाल कर दिया है। कारण है आलू में लागत से कम भाव मिलना, इसके स्टोरेज की पूर्ण रूपेण व्यवस्था न होना। परिणाम स्वरूप किसान बैंकों व महाजनों का कर्जी हो गया है। क्या ऐसी समस्या से निपटने का कोई तरीका है? फर्रुखाबाद में इतिहास गवाह है, विदेशी निवेशकर्ता हमारे क्षेत्र में आते थे, अगली फसल के भाव तय कर अपने भारतीय दलाल के माध्यम से ऋण वितरण करते थे, अंत में फसल खरीद कर अपने अपने देशों को भेज देते थे। भाव तय करने से मतलब ऐसा भाव जिससे किसान को नुकसान न हो, लेकिन इस पद्धति में दलाल मौज मारता था, किसान को नामात्र ही लाभ होता था। आज हमारी सरकार की भी यही मंशा है। सरकार चाहती है बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा उत्पाद की खरीद हो, उन्हीं के बनवाए कोल्ड स्टोरेज में भंडारण की व्यवस्था हो। कोऑपरेटिव खेती की नई थीम के साथ किसानों को आकर्षित करने की कोशिश है, लेकिन किसानों को ये मंजूर नहीं। किसान की मुख्य डिमांड है MSP, और ये उन्हें मिलने वाली है ही नहीं, तो क्या किया जाए? इसके समाधान के लिए किसान संगठनों को डिमांड एंड सप्लाई का अर्थ स्वयं समझना होगा। जितनी डिमांड हो उससे कुछ कम आलू पैदा किया जाए, मतलब मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट करनी ही होगी। इससे माल की डिमांड हमेशा बनी रहेगी, जो रकवा बचे उसमें कुछ भी पैदा किया जा सकता है। ऐसा कर किसान मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं। बीच के दलालों को आगे आने का मौका ही नहीं मिलेगा। विश्वास माने तब सरकार किसानों की सुनेगी। सरकारों से कोई अपेक्षा किसानों के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होगा। किसान समझ ले, भेड़चाल खेती किसानों के लिए विनाश का कारण बनेगी।